إذا جاء نصر الله والفصل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ये सूरा जो है मदीने में नाजिल हुआ था, इसलिए इसको सूरे मदनी सूरा कहते हैं। मदनी जो मदीने में नाजिल हुआ, इसके तर्जुमा ये है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह। नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतेह नसीब हो जाए, ऐ नबी तुम देख लोगे लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब के हम के साथ उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर लो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला। यहाँ फतेह से मुराद किसी मुल्क का किसी मुल्क पे हमला करके फतेह करना नहीं है, बल्कि जब अल्लाह के दीन इस्लाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया, तो सूरत हाल ये थी कि लोग फौज दर फौज अरे लंबे लंबे क्यों में खड़े हुए थे, हम ईमान लाते सब अरे अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो चुके थे और इस्लाम की कुव्वत बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ गई कि उसके बाद जो है उस इलाके में कोई गैर मुस्लिम नहीं रह पा, पूरे के पूरे इस्लाम कबूल कर लिए और सभी लोग जो है इस्लाम कबूल कर लिए। और हमारा काम यही है, इससे पहले भी बोलते रहा हूँ और अब भी वही बोलूँगा मैं, कि मुसलमान को क्यों पैदा किया। अब जैसा कि हम इस घर में आए या अपने घर को जाएंगे तो कुछ काम है ना, वो काम से आए हैं यहाँ पर, वो काम हो जाएगा तो चले जाएंगे। अपने घर के अंदर भी हम रहेंगे, कब तक रहेंगे, जब मौत आ जाएंगी तो चले जाएंगे, वो घर भी छोड़ देंगे हम। तो इसी तरह से आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है, चेंज बदल तब्दीली बदल होना। इसीलिए अल्लाह की मदद आ जाए और फतेह नसीब हो जाए, इस बात को हमेशा याद रखो, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं सिर्फ अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। दीन इस्लाम मस्ट बी डोमिनेटेड